Hello everyone. Today we discuss about system. इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि system जो word है उसकी full form क्या होती है, कैसे हम system means तरीके, कैसे हम किसी भी कार्य को अगर तरीके से system से करें तो कैसे अपनी energy बचा सकते हैं, अपना time बचा सकते हैं, अपने money अपना पैसा बचा सकते हैं, अगर हम किसी भी कार्य को system से करें तो सिस्टम का क्या मीन्स है, इसकी क्या फुल फॉर्म है हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे आपने देखा होगा कि लाखों की कंपनियां बड़े बड़े करोड़ों पे खेल जाती हैं, बड़े बड़े कार्य कर देती हैं, लाखों से शुरू होकर करोड़ों तक पहुंच जाती है, उनका ग्राफ बढ़ता रहता है। उसका कारण है क्योंकि वो कंपनियां एक सिस्टम से एक तरीके से कार्य करती है। एक स्टूडेंट अगर सिस्टम से कार्य करता है तो वो कैसे जल्दी 90% अचीव कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत करते हैं, सब करते हैं, लेकिन सिस्टम से कार्य नहीं करते, वो 90% तक पहुंच नहीं पाते हैं, अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं। तो कैसे एक सिस्टम का महत्व है, तो सिस्टम की मीनिंग में इसकी फुल फॉर्म में छुपा है इसी का राज। सिस्टम की फुल फॉर्म होती सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी, कि कैसे हम एक तरीके से कार्य करके अपने खुद का समय बचा सकते हैं, कैसे हम अपनी एनर्जी अपना मनी अपना पैसा बचा सकते हैं। जैसे मान लो हम नॉर्मली उदाहरण लेते हैं कि अगर हमें किसी बिल्डिंग से नीचे उतरना है तो हम क्या करेंगे कि अगर हम सिस्टम से कार्य करें तो या तो हम लिफ्ट से आ सकते हैं या हम सीढ़ियों से आ सकते हैं। अगर हम सीढ़ियों का उपयोग करें तो उस पर टाइम लग सकता है, लेकिन अगर लिफ्ट से आए तो हम आसानी से आ जाते हैं, अपनी एनर्जी टाइम बचेगा। लेकिन यदि हम डायरेक्ट अगर हम डायरेक्ट बिल्डिंग से जंप करें नीचे तो क्या होगा, क्योंकि वो कोई सिस्टम नहीं है, तरीका नहीं है आने का, तो हम क्या गिर जाएंगे, उससे हमें चोट लगेगी, जिससे क्या होगा हमारा पैसा वेस्ट होगा क्योंकि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी जो अपने चोट लगी है तो एनर्जी वेस्ट होगी, अपना जो टाइम है वो वेस्ट होगा। तो ऐसे ही हम किसी भी कार्य को अगर सिस्टम से फॉलो करते हैं, कोई कंपनी अगर अपने कार्य को सिस्टम से फॉलो करती है तो वो ग्रोथ पे ग्रोथ किए जाती है। ऐसे अगर स्टूडेंट सिस्टम से पढ़ाई करता है, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति कोई भी पर्सन अगर किसी भी वर्क को किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सिस्टम को तरीके को जान लेता है तो वो ग्रोथ कर जाता है, वो अचीव कर लेता है अपने गोल्स, वो अपने जो कार्य करना चाहता है उसमें सफलता पा लेता है। तो इसलिए अनसक्सेस से सक्सेस होने के लिए किसी सिस्टम के फॉलो करो, किसी सिस्टम के तरीके से किसी भी कार्य को करो, बिना तरीके से किसी कार्य को ना करो, उसमें आपकी एनर्जी टाइम और मनी वेस्ट हो सकती है। तो इसलिए हमेशा सिस्टम को फॉलो करो, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाएं ताकि हर एक वीडियो आपके पास में आ सके। थैंक यू।